अब तक आपने देखा अंधकासुर अपनी असुर सेनाओं के साथ देवताओं से युद्ध करता है और उन्हें पराजित कर देता है। अब इस सृष्टि पर केवल और केवल अंधकासुर का ही राज होगा। अब कोई भी देवता पूजनीय नहीं होगा और केवल अंधकासुर की ही आराधना की जाएगी। फिर देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए अंधकासुर से युद्ध करती हैं। तभी महाभैरव देवी की रक्षा के लिए आते हैं और फिर अंधकासुर वहां से चला जाता है। शुक्राचार्य अपनी मायावी शक्ति से भैरव की छाया को अपने वश में कर लेते हैं और उस छाया में राहु शक्तियों से छायासुर नामक असुर का निर्माण करते हैं, जो कि भैरव के समान ही है। ये है असुरों का असुर, छायासुर। हमने छायासुर को राहु और भैरव की शक्ति के सम्मिलन से उत्पन्न किया है। छायासुर में राहु और भैरव दोनों की शक्तियां विद्यमान हैं। छायासुर, जाओ और सृष्टि से नैना देवी के समस्त पिंडों को नष्ट कर दो। स्वाज्ञा गुरु शुक्राचार्य। छायासुर कुल्ला बाला भैरव को परास्त कर नैना देवी के पिंड को लेकर चला जाता है। फिर महाभैरव माता के पिंड को ढूंढते हैं, किंतु उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता। फिर ब्रह्मदेव महाभैरव को मार्ग बताते हैं और उन्हें छल्ला देते हैं। फिर भैरव माता के पिंड तक पहुंच तो जाते हैं, किंतु महाजयासुर उन्हें पकड़ लेता है। अब आगे विलीन हो गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ढूंढो इसे, यहीं कहीं होगा। असुरों की इतनी बड़ी सेना, सभी देवताओं और देव सैनिक अपने अपने शस्त्रों के साथ पहाड़ी पर दृढ़ता से डटे रहे। धनुष धरो, लक्ष्य। भैरव को आने में विलंब हो रहा है। गुरुदेव के आदेश अनुसार नैना देवी पर पहला वार हम करेंगे। अंधकासुर को युद्ध में हराया जा सकता है, किंतु छायासुर को हराना संभव नहीं है। इस असुर की रचना एक बहुत बड़ा रहस्य है। भैरव जैसे शक्तियों के स्वामी इस छायासुर को स्वयं भैरव भी पराजित करने में असफल रहे हैं। की जड़ों पे चढ़ो, वो जड़ों से जा रहा है। अब मुझे इस जड़ को काटना होगा, अन्यथा ये असुर मेरे साथ आकाश तक पहुंच जाएंगे। ओम नैना देवी नमः।
महाराज, नैना देवी को समाप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आज के बाद तीनों लोकों के स्वामी अंधकासुर होंगे। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं माता। पिंड को स्थापित कर असुरों को सदा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है। यह संभव नहीं, भैरव काले छिद्र से नहीं लौट सकता। तुम सबको अभी इसी क्षण पाताल लोक चलना चाहिए। यदि युद्ध हुआ तो हमारी पराजय निश्चित है। हम युद्ध लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, किंतु रणनीति में कुछ परिवर्तन करके। छायासुर, क्रोध को पालना सीखो, शांत रहो। ये समय बल का नहीं, बुद्धि से काम लेने का समय है। इस छायासुर की रचना कैसे हुई ये खोजना पड़ेगा। कौन सी वो शक्ति है जिसको हम भेद नहीं पा रहे। अंधकासुर और छायासुर शांत नहीं बैठेंगे, वो शीघ्र ही आक्रमण करेंगे। हमें तैयार रहना पड़ेगा। यदि ये मछली हमारे अस्तित्व को संकट में डाल दे तो हमें क्या करना चाहिए? हम तुरंत इसको मृत्यु के घाट उतार देंगे। और यदि मछली को मृत्यु प्रदान करना संभव ना हो तो? देखो, हमने केवल इस पात्र से पानी निकाला और मछली मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात यदि हम पिंडों को हटाने में असमर्थ हैं तो क्या हुआ? नैना देवी के भक्तों को तो हटाया जा सकता है। जब भक्त नहीं रहेंगे तो पिंडियां पत्थर के समान हो जाएंगी और नैना देवी शक्ति विहीन हो जाएगी। फिर उसे असुरों से कोई नहीं बचा सकता। दिव्य शक्ति है छायासुर के पीछे, परंतु किसकी?
किस गंभीर सोच में? देवी, हम अब तक यही सोच रहे हैं कि कुलाबाला भैरव को छायासुर ने कैसे पराजित किया। ये संभव नहीं था, फिर ये कैसे हुआ? समय इस रहस्य की परत अपने आप खोल देगा। देवी, आपका यूं प्रकट होना हमें कुछ अलग संदेश दे रहा है। भैरव, हमें आभास हो रहा है कि शीघ्र ही हमारे भक्तों पर कोई संकट आने वाला है। भैरव के होते हुए आपके भक्तों पर कोई आंच नहीं आएगी माता। वो देखो, पहाड़ी पर मंदिर। परंतु ये मंदिर यहाँ पहले तो नहीं था। किसने बनाया होगा ये मंदिर? आज के पश्चात नैना देवी की पूजा कोई नहीं करेगा। यदि हम नैना देवी की आराधना नहीं करेंगे तो फिर किसकी आराधना करेंगे? वो हमारे संकट हर लेती हैं। वो देवी हैं। आज से देवी की पूजा करके केवल संकट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आराधना करनी है तो अंधकासुर की करो। यहां अंधकासुर का मंदिर तुम जैसे तुच्छ मानव जाति का एकमात्र सहारा है, और यदि तुम सब ने ऐसा नहीं किया तो तुम सबको इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा कि जीना दुर्भर हो जाएगा। छायासुर, देवी के भक्तों के मार्ग में अवरोध पैदा मत करो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। महाभैरव, हम केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं इन भोले भाले लोगों को समझा रहा था, अपितु आने वाले संकट का आभास करा रहा था कि केवल अंधकासुर ही है जो इन्हें आने वाले संकट से मुक्त करा सकते हैं। अतः ये लोग नैना देवी की आराधना छोड़कर अंधकासुर की आराधना शुरू कर दें। इसी में इनका कल्याण है। नैना देवी की जय। नैना देवी की जय। नैना देवी की जय। जल्द ही छायासुर और भैरव में युद्ध होने वाला है। नारायण नारायण। प्रणाम देवगण, आज हम आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। कैसा संदेश देवर्षि? नारायण नारायण। कदाचित आप समस्त देवगण को ज्ञात होगा कि चंद्रदेव और सूर्यदेव अनुपस्थित हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव, वो दोनों तो अपने अपने पथ पर भ्रमण कर रहे होंगे। नारायण नारायण। नहीं अग्निदेव, ये आपकी भूल है, भूल। सूर्यदेव और चंद्रदेव अपने गमन पथ पर नहीं हैं, वे अदृश्य हो गए हैं। अदृश्य। हमने चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि डाली किंतु वे हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। किसी को ज्ञात नहीं कि वे कहां हैं। हम समय में झांक कर देखते हैं कि वो कहां गए। सूर्यदेव और चंद्रदेव को छायासुर ने बंधक बनाकर रखा है। बंधक? सूर्यदेव और चंद्रदेव बंधक? यदि शीघ्र ही सूर्यदेव और चंद्रदेव को छायासुर के बंधन से मुक्त नहीं कराया गया
तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु और वनस्पति का अंत निश्चित है। ये क्या अचानक से सूर्य ग्रहण? नहीं, ये संभव नहीं है। ये ग्रहण का समय नहीं है। ये ग्रहण तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम सब लोग अंधकासुर की आराधना नहीं शुरू कर दो और नैना देवी का त्याग। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंधकासुर की आराधना नहीं करेंगे। आराधना नहीं करोगे तो परिणाम तुम लोगों के सामने हैं। और बहुत जल्द पृथ्वी पे तुम लोगों का अंत हो जाएगा। माता, आप चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? भैरव, हमारे प्राण तो हमारे भक्तों में बसे और आज वही भक्त अत्यंत पीड़ा और कष्ट का सामना कर रहे हैं। आपका अर्थ नहीं समझा माता। छायासुर ने मेरे भक्तों का जीवन कष्टमय कर दिया है। अब हमें विवश होकर छायासुर का वध करना ही होगा। चंद्रदेव और सूर्यदेव को उसके बंधनों से मुक्त करने के लिए। नारायण नारायण, प्रणाम महाभैरव। माते, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माते, ये किया दरा, ये छल छायासुर का है। माते, वो इसलिए सब कुछ करना चाहता है ताकि मानव योनी पीड़ित हो, दुखी हो और दुखी होकर वे आपकी भक्ति और पूजा त्याग दें। और माते, इससे मनुष्य योनी आपकी भक्ति आपकी पूजा का त्याग कर उसकी पूजा करेंगे, जिससे जिससे उसके भक्त उसकी शक्ति बढ़ेगी। वो स्वर्ग लोक पे आक्रमण करके आपको पराजित करके अपना आधिपत्य वहां पर स्थापित करेगा। जब तक भैरव जीवित है, माता नैना देवी और उनके भक्तों को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। माता, आप चिंतित ना हो, शीघ्र ही हम छायासुर का अंत करके आपके भक्तों को संकट से दूर कर देंगे। अंधकार में जीते हुए 20 दिन हो चुके हैं। यदि अंधकासुर की आराधना करने से यह संकट दूर होगा तो मैं तैयार हूं। नैना देवी भी हमारी पीड़ा दूर करने में असमर्थ हैं। यदि यह ग्रहण नहीं हटा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। चलो अंधकासुर के मंदिर में जाते हैं। चलो, हाँ, चलो, हाँ, चलो चलो। अंधकासुर की जय। अंधकासुर की जय। अंधकासुर की। प्रतीत होता है कि मानवों ने अंधकासुर की आराधना प्रारंभ कर दी है। जैसे जैसे यह लौ बढ़ेगी वैसे ही पाताल लोक की शक्ति बढ़ेगी और साथ ही अंधकासुर की भी। और जब यह लौ अंधकासुर से ऊपर निकल जाएगी तो अंधकासुर नैना देवी से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगा।
तब नैना देवी का वो अंतिम दिन होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब पीछे हो जाएं। सूर, सूर्य और चंद्र कहाँ हैं? भैरव, क्यों बार बार अपने काल को न्योता देते हो? सब मेरी शक्तियां इसके पास कैसे? भैरव, कहा था ना मैंने, अपने अंत को न्योता मत दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस चट्टान को हमें हटाना होगा। भैरव को होश आ गया। वो धूर्त छायासुर कहाँ है? आप छायासुर से युद्ध करते हुए अचेत हो गए थे। अवश्य ही छायासुर के पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है, और जब तक उस दिव्य शक्ति के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक उसे हराना असंभव है। महाभैरव, जब तक आप छायासुर के पीछे की दिव्य शक्ति को खोजकर उसका नाश नहीं कर देते, तब तक हम नैना देवी की आराधना करते रहेंगे, ताकि उनकी शक्तियों में कोई कमी ना हो। प्रणाम जगत स्वामी। कल्याण हो। हे प्रभु, छायासुर ने संसार में त्राही त्राही मचा दी है, उसे पराजित करने का कोई उपाय बताएं मुझे। भैरव, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर सत्य दर्पण ही दे सकते हैं। सत्य दर्पण समुद्र मंथन के समय निकला। तुम सत्य दर्पण की खोज करो। तथास्तु। समय देव, आप हमें भूतकाल में ले जाकर समुद्र मंथन के दर्शन करवाई है। महाभैरव, काल की गति इतनी तीव्र है कि तुम सिर्फ प्रत्यक्ष दर्शी हो सकते हो, परंतु उसे भौतिक रूप से भूतकाल में जा नहीं सकते हो। दर्शन तो हमें करने ही हैं समय देव। महाभैरव, आप हमारी नेत्रों में देखिए, हम आपको भूतकाल में ले चलते हैं। यहाँ है वो समुद्र मंथन। यही है सत्य दर्पण, जिसकी व्याख्या प्रभु ने की थी।
समय देव, समुद्री राज्य में मिलेगा दर्पण। आप हमें वर्तमान में ले आए। धन्यवाद समय देव। मेरी असुर सेना के शक्तिशाली योद्धाओं, स्वर्ग लोक पर आक्रमण की तैयारी करो। अब स्वर्ग लोक पर असुरों का आधिपत्य होगा। असुर राज अंधकासुर की जय हो। असुर राज अंधकासुर की जय हो। चाहे कुछ भी हो जाए, महादेवी की पूजा अर्चना रुकनी नहीं चाहिए। अगर पूजा रुकी तो अंधकासुर आक्रमण कर देगा। भैरव कह के गए थे पूजा रुकनी नहीं चाहिए। अरे बंद करो ये सब पूजा अर्चना। हम चाहे कितने भी प्रयत्न कर लें, पर उस अंधकासुर की शक्ति बढ़ती ही जाएगी और वो छायासुर एक ना एक दिन हम सबको विवश कर ही देगा उस अंधकासुर की पूजा करने के लिए। और यदि ऐसा नहीं किया तो वो हम सबको जीवित ही मार देगा। कोई भी नहीं बचेगा हम लोगों में से, कोई भी नहीं। और संपूर्ण ब्रह्मांड इसी डर के चलते उस अंधकासुर की पूजा करने के लिए विवश है। अब मैं भी जा रहा हूं उसी अंधकासुर के मंदिर, उसकी पूजा आराधना करने। और आप लोगों में से जिसको भी अपने प्राण प्रिय हो वो मेरे साथ चलो। सही कह रहे हैं ये, अंधकासुर की पूजा करने में ही भलाई है। चलो ऋषि, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, हम जीवन के अंतिम क्षण तक माँ नैना देवी के साथ हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये युद्ध भैरव अवश्य जीतेंगे और लोगों का विश्वास पुनः माता पर आएगा। मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप यहाँ सागर में क्या कर रहे हैं? मैं समुद्री राज्य का मार्ग खोज रहा हूँ। मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। धन्यवाद। चलिए मेरे पीछे पीछे आइए। ये रहा राजमहल। यहां जलपरियां रहती हैं। लेकिन स्मरण रहे कि ये राज्य एक मायावी राज्य है। और भूल से भी जलपरियों के नैनों में मत देख लेना, अन्यथा आपकी स्मृतियां चली जाएंगी और जलपरियां आपको वश में कर लेंगी और फिर कभी इस महल से बाहर नहीं आ पाओगे। किंतु इसका एक उपाय है मेरे पास। ये मोती, इस मोती को अपने दांत के नीचे दबा लेना। स्मरण रहे ये मोती आपके मुंह से गिरने ना पाए। ये मोती ही आपको इस महल से बाहर निकालेगा। धन्यवाद। किससे मिलने आए हो? राजा की रानी से मिलना है। हमारे पीछे आइए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो?
हम यहाँ सत्य दर्पण के खोज में आए हैं। हमें उस सत्य दर्पण की आवश्यकता है और वो दर्पण आपके महल में ही है। वो सत्य दर्पण हमारे पास है, किंतु तुम्हें क्यों चाहिए? वो दर्पण देवलोक की रक्षा करेगा। ठीक है, आपको वो दर्पण दे देंगे, किंतु उससे पहले आपको एक पहेली का उत्तर देना होगा। आप पहेली पूछिए। एक थाल मोतियों से भरी और सबके सर पर औंधी रखी, बताओ क्या? आकाश, आकाश में सब तारे मोती और आकाश सबके सर पे रहता है। दर्पण लाया जाए। धन्यवाद। भैरव कहाँ जा रहे हो? माता नैना यहाँ। मैं यहाँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहां क्या कर रहा हूं? ये दर्पण, ये कौन सा स्थान है? ये मोती, इस मोती को अपने दांत के नीचे दबा लेना, स्मरण रहे ये मोती आपके मुंह से गिरने ना पाए। ये मोती ही आपको इस महल से बाहर निकालेगा। जैसे ही अंतिम भक्त आरती रोकेगा, हम नैना देवी पर चढ़ाई कर देंगे। ये कैसा हो सकता है? इसका अर्थ है वो दिव्य शक्ति और कोई नहीं, मेरी स्वयं की परछाई है। परंतु ये कैसे संभव है? लगता है छायासुर ने अग्निदेव को भी अपना बंदी बना लिया है। पूरी दुनिया में अंधकार छा गया है। मुझे साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक माता नैना देवी की आराधना करनी चाहिए। यह संभव नहीं। आक्रमण! Thank you.
देवी प्रकट हुई है, दर्शन दीजिए। देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ समय के लिए आप अपनी गुफा में छिप जाएं। अंधकासुर आपसे अधिक बलशाली हो गया है, समस्त संसार उसकी आराधना में लग गया है और उसके भय में आपकी आराधना त्याग चुका है। आप शक्तिहीन हो गई हैं देवी, हम आपके पिंड को कहीं छिपा देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी शक्ति का अपमान होगा। देवी, हमें थोड़ा समय चाहिए छाया सुर का रहस्य सुलझाने के लिए। हम अपने स्थान से नहीं हटेंगे, हमें मृत्यु स्वीकार है, किंतु हम अपना स्थान त्याग दें ये हमें स्वीकार है। हमें तुरंत ही कुला बाला भैरव के अवचेतन मन में झांक कर देखना होगा। आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। कृपया आप मुझे इस कुएं से निकालकर समुद्र में छोड़ दें। कुछ क्षण रुकिए, हम कोई उपाय करते हैं। मीठे पानी की मछली को खारे पानी में जाने की क्यों आवश्यकता हुई? अवश्य ही ये कोई षड्यंत्र है, हमें शीघ्र ही उस कुएं को ढूंढना होगा। नैना देवी, तुम्हारा अंत आ गया है, पकड़ लो और ले चलो पाताल लोक। यदि हम कुएं का सारा पानी निकाल दें तो परछाई समाप्त हो जाएगी। जब कुएं में पानी नहीं बचेगा तो परछाई भी नहीं रहेगी। कैसे सूर्यदेव और चंद्रदेव को किससे छुड़वाया? ये कैसे संभव है? चलो अब हम लोग देवी की आराधना करते हैं, इनसे उनको शक्ति मिलेगी। चलो इससे चलो, 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 शक्ति चलो, चलो, चलो। सुर, पाताल लोक शीघ्र लौट चलो, अन्यथा नैना देवी तुम्हारा अंत कर देगी। हम अमर है गुरुदेव, हमें ब्रह्मदेव से वरदान मिला है,
ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान दिया था कि कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा, लेकिन यह भी कहा था कि तुम्हारा वध उस त्रिशूल से होगा। देखो नैना देवी के हाथों में जो त्रिशूल है वो शिव ने दिया है। आ चुका है। नैना देवी की जय। नैना देवी की जय। नैना देवी की जय।